बिलासपुर के संगवारी मन पंख फैलाए हुए चिड़िया मुल भेंट करी एक सेठ के कैद में बिलासपुर पिछले 15 साल से बंद रही थे। वो पिंजरा से बाहर होकर विस्तार पैदा बिलासपुर नगर देखकर मैं बिलासपुर के सबो संगवारी मन बहुत बहुत बधाई। तो बिलासपुर हमारे न्यायधानी एल फैलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, विकसित होना चाहिए और एक बार जेन भी काम करे पड़े वो सब काम हमन करबो। आज नगर निगम के सीमा बढ़ी से कल औद्योगिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक विशेष नाम बिलासपुर करी। जैसे बिलासा नगरी एक बहुत पौराणिक ऐतिहासिक अगर महत्व है ओकर जैसे ओकर इतिहास है वो इतने ढंग से विकास ये नगर के होना चाहिए। और जब बिलासा नगरी के बात करथन तो अरपा के बाद अपने आप जुड़ जाते। अरपा अभी भरे बरसात में तो पानी दिखी समान हेलीकॉप्टर में, लेकिन जैसे बरसात खत्म होते नरवा मन में पानी रहते लेकिन अरपा में पानी नहीं रहा। अरपल मारे काम ल करे मन औकर बर बिलासपुर के सब साथी मन ल कांग्रेस के साथी मन ल मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अरपा बचाओ आंदोलन चले इस पद यात्रा करे और समापन में महो शामिल होकर अवसर मिले। ये अरपा है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जिन गीत लिखे है ओकर पहली वाक्य के पहली शब्द जिन्हें तेन अरपा पैरी के धार महानदी है अपार अरपा से गीत के नाम छत्तीसगढ़ वंदना के जिन गीत है तेन अरपा नदी से शुरुआत होते और वही यदि वो नदी यदि मरत है तो ओकर से ज्यादा दुर्भाग्यजनक कोई बात नहीं हो सके। ओकर स्थिति अरपल 12 माह पानी भरे रहा है तेकर बर अरपा में एक बराज और एनी कट बनाए के घोषणा करा दो। हमार जिन जल संसाधन मंत्री यहाँ बैठे हैं मनवा से बात भी हो गए तत्काल होकर स्वीकृति प्रदान करी भावनात्मक रूप से आदरणीय रविंद्र चौबे जी के बिलासपुर से बहुत गहरा संबंध है और ओकर बर निश्चित रूप से बहुत तेजी से काम करी इसे विश्वास। आज छत्तीसगढ़ में जब भी हमारे नेता राहुल गांधी जी आए है एक बात हमल के सरकार बनी तो कुछ चंद मुट्ठी भर आदमी मन के सरकार नहीं होना चाहिए। ये सरकार ऐसे बने कि हर वर्ग लगे गए हमार सरकार और स्थिति जो सबसे बड़े वर्ग है किसान वर्ग ओकर पर पहली काम करे ऋण माफी को 2500 रुपये क्विंटल धान दे। ओकर बाद जो सबसे बड़े वर्ग है हमारे आदिवासी समाज 4000 रुपये प्रति मानव गोरख दर से तेंदू पत्ता खरीदे के काम और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत चाहे व्यक्तिगत पट्टा हो चाहे सामुदायिक पट्टा हो दे के काम करा था। बाधा बहुत आते मैं आधे पेपर में पढ़े कोई आदमी चल दे हाई कोर्ट और 2 महीना पर रोक लगे हमार माननीय उच्च न्यायालय में अपन बात रख दो, लेकिन जितका भी बाधा आए वो दूर कर दो और आदिवासी मन के या परंपरागत रूप से जो जंगल में रहते चाहे वो पिछड़ा वर्ग के चाहे कोनो वर्ग के साथी हो अनुसूचित जाति के हो सबके हक के लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार लड़ी हो मन हक दिला करे। तीसरा बात शिक्षा से जुड़े शिक्षा जगत से जुड़े हुए बात हमारे यहाँ पहली शिक्षा कर्मी रही थे पिछले 20 साल से नियमित शिक्षक मन के भर्ती बंद हो गई। हमारे सरकार नियमित शिक्षक और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मन के भर्ती के काम शुरू करे ताकि हमारे शिक्षा बहुत बढ़िया रहा सबसे पिछले नीचे पैदान में है। हमारे कोशिश है देश में सबसे ऊंचा पैदान में शिक्षा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के नाम हो। एक साथ साथ
आज छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ी जो समस्या है कोनो के देखो नक्सली हमारे सबसे बड़े समस्या है, कोनो की बेरोजगारी हमारे सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये नक्सल समस्या से बेरोजगारी से बड़े कोई समस्या छत्तीसगढ़ में है वो कुपोषण की समस्या है। आज 37.6% लड़का हमारे कुपोषित है, 41.5% हमारे महिला मन एनीमिया से पीड़ित है, खून की कमी है उनका शरीर में। यदि हमारे मातारी मन के हमारे बेटी मन के शरीर में यदि खून की कमी रही तो आने वाला भविष्य कैसे रही छत्तीसगढ़ के। एक ये कुपोषण से सबसे बड़े समस्या छत्तीसगढ़ के, एक लड़ाई की शुरुआत हम बस्तर से कर दे हैं, कोरिया और कोरबा से हम कर दे हैं। 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर में पूरा प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ संघर्ष किए जाए और एक भी बच्चा कुपोषित मत हो, एक भी हमारे बेटी माई मन खून की कमी से पीड़ित न रहे। एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हम 2 अक्टूबर से करवो ताकि छत्तीसगढ़ पुष्ट छत्तीसगढ़ हो, मजबूत छत्तीसगढ़ हो, तबे हम छत्तीसगढ़ बना सकते। ये दिशा में हम काम करत। आज आरक्षण के बाद हो थे बहुत जन जब अनुसूचित जाति के आरक्षण समाप्त हो कम किए गए 16% से 12% किए गए, उस समय बहुत अपन आंदोलन करेगी। लेकिन होकर पीछे राजनीति रही से, लेकिन हम कोई राजनीति नहीं करना चाहन। जेकर जब का हक है, जेकर जब का अधिकार है, जिस संविधान में व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर जिन संविधान निर्माण करे है, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मिलना चाहिए, बोला दे के काम करें, हमन कोई एहसान नहीं करें। ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ आदमियों का 16% करना चाहिए, लेकिन संविधान में व्यवस्था जी का जनसंख्या जत्ता तत्का मिली तो आज अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13% है, तो 13% दे धन 2021 की जनगणना में यदि 14, 15, 16% होते तो निश्चित मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जिन दिन जनसंख्या 16% हुई उस दिन 16% दिए जाए। मंडल आयोग सिफारिश करे कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में केवल 14% मिला थे। पिछले कई साल से पिछड़े वर्ग का हक मारे जा रही से, लेकिन जिन मंडल आयोग सिफारिश करी बोला सब दशा लागू करे के काम छत्तीसगढ़ सरकार करे 27% आरक्षण, क्योंकि 50% से अधिक हमर पिछड़े वर्ग में यहाँ निवास करते होकर यदि 27% आरक्षण मतलब दिए जाते। वहीं जब लोकसभा में पारित हुए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करे 10% जिन हमार सामान्य वर्ग के व्यक्ति है और जिन आर्थिक रूप से कमजोर है वो मतलब दिए जाना चाहिए, वो फैसला भी हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल करे। और आज देश में सर्वाधिक आरक्षण देने वाला 82% देने वाला कोई राज्य है वो छत्तीसगढ़ सरकार है, जिन संविधान में जिन लोकसभा में जिन मंडल आयोग जिन सिफारिश करी वो लागू शब्द से लागू करे काम लगन करे तो छत्तीसगढ़ सरकार करे। एक बार मैं कहना चाहता हूं ये कोई एहसान काकरों पर कोनो वर्ग ऊपर नहीं करे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं जैविक रूप से मैं दाऊ नंद कुमार बघेल के लड़का हूं, वैचारिक रूप से महात्मा गांधी और नेहरू के हम समर्थक हैं, लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ मातारी के बेटा हूं। एक ऐसे 2,80,00,000 जिन जनसंख्या है वो हर वर्ग के हित के ध्यान रखे के काम छत्तीसगढ़ सरकार करत है, करी और आगे भी करत रही, ये विश्वास है मंच माध्यम से आप सबको देना चाहता हूं। आज बहुत अकन बात छत्तीसगढ़ में बहुत अकन निर्णय रोज नवा नवा निर्णय ले थे, आज छत्तीसगढ़ के आदमी अपन आप का सम्मानित महसूस करत हरेली हर साल मनात रहे हैं। बेटी माई मन हर साल तीजा पोरा मनात रही से, हर साल कर्मा जयंती मनात रहे, हर साल विश्वासवासी दिवस मनात रहे,
हर साल छठ पूजा होत रही थे, लेकिन ये आपके सरकार है, आपके भावना, आपके इज्जत, आपके जन संस्कृति, आपके रहन सहन खान पान सम्मानित करे के काम कोनो करे तो छत्तीसगढ़ सरकार करे। एक स्थिति पहली बार लोगों ने लगा थे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हमन के सरकार, हम सब के सरकार है। आज ये अवसर में आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। अभी आप रुकेंगे, मैं अपने इसके आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथी भाई सौरभ सक्सेना जी को बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विदा लेता हूं कि नक्षत्र अमा के बुझते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नक्षत्र अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, हे महासेनानी करो प्रयाण, भावी इतिहास तुम्हारा।